हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। कहीं पे भी जाना होता है तो सबसे पहले हमें फ्रंट में अपना फेस नज़र आता है कि हमारे फेस में कहीं डलनेस, कहीं डार्कनेस या हमारे चेहरे में किसी तरीके के दाग धब्बे तो नहीं हैं। आज मैं आपके साथ ऐसा पैक शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप कहीं पे भी ओकेजनली जाते समय इसे इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पे गज़ब का ग्लो नज़र आएगा। नेचुरल स्किन से ग्लो आपका बाहर झलकता हुआ नज़र आएगा और लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने क्या अप्लाई किया है अपने चेहरे पे। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है। सो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे एक क्लीन बोल लेना है। सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन हमारे स्किन के ऑयल को पूरी तरीके से ख़त्म करती है, हमारे स्किन के दाग धब्बों को भी ख़त्म करती है, नेचुरल ग्लो लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही आपको यहाँ पे लेना है मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी आपको रखनी है कम से कम 2 चम्मच। आधा चम्मच आपको यहाँ पे शहद ऐड करना है। शहद मॉइस्चराइज करती है हमारे स्किन को डीपली और ये हमारे स्किन को लंबे समय तक सॉफ्ट बना के रखती है। साथ ही इसमें ऐड करना है आपको लेमन। अगर लेमन सूट नहीं करता है तो आप यहाँ पे आलू का रस या फिर टमाटर का रस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जो होती है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो एक ही बार में हमारे स्किन को क्लियर कर देती है, दाग धब्बों को भी दूर करती है, स्किन को रीजनरेट करती है। और इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे लेनी है कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ एक पिंच, क्योंकि किचन वाली जो हल्दी होती है वो स्टेन छोड़ती है और कस्तूरी हल्दी स्टेन नहीं छोड़ती है। तो इस तरीके से आपको इन सबको फिर से मिक्स कर लेना है। मिल्क बहुत अच्छा क्लिंजर होता है, आप सभी को पता है मिल्क एज अ क्लिंजर हमारे स्किन की सफाई करता है, लेकिन इसके अलावा ये आपके स्किन के इम्प्योरिटीज़ को भी दूर करता है, स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है। इसे अच्छे से आपको मिक्स करके कम से कम 2 मिनट तक छोड़ना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो सेट हो जाएं, और जब हम इसे फेस पे अप्लाई करें उस समय इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बैटर में हो। तो आपको यहाँ पे मैं पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपका ये पेस्ट ऐसा रेडी होगा। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसे बना लेना है। और अब बढ़ते हैं इसे अप्लाई करने के लिए कि हमें इसे कैसे अप्लाई करना है। पैक को अप्लाई करने से पहले हमें अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बादाम रोगन ऑयल लिया है। आप कोई भी वर्जन ऑयल ले सकते हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करता हो। सबसे पहले हम अपने फेस में ऑल ओवर इस ऑयल को लगा लेंगे और लगाने के बाद आपको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। ऑयल से जो भी आपके स्किन में डर्ट वगैरह होती है, जो धूल मिट्टी जम गई रहती है, वो ईजिली निकल आती है। ऑयल चिपकता नहीं है बल्कि ये आपकी मैल को, गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से करने से आपके फेस में जितनी भी डर्ट वगैरह होगी, नोज अराउंड जो हमारे किनारे नोज के साइड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी जम जाती है, वहाँ पे आपके लिप्स के अराउंड जो होता है वहाँ पे वो सारी जो गंदगी है वो इस ऑयल से बाहर निकल आती है। तो अब आपको क्या करना है, कॉटन लेना है और उस कॉटन से अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन करना है। तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी जो होती है ना वो हमारी कॉटन में आ जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है क्लींजिंग करने का अपने चेहरे को। अगर आप कोई भी पैक अप्लाई करने जा रहे हैं उसके पहले अपने चेहरे को इस तरीके से क्लीन करेंगे तो आपका फेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, जितनी भी डर्ट होगी वो आपके फेस से बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद जब आप कोई भी पैक अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसके जो क्लियरनेस होती है जब आप वॉश करते हो तो वो अलग ही दिखती है। तो फेस पे जो चमक होती है, ग्लो होता है, वो और ज़्यादा बढ़ के आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया और मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ हो गया है। तो अब बढ़ते हैं हम पैक की तरफ। तो हमने ये जो पैक है वो आप चाहे तो 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट फ्रिज में, बाहर नहीं। और इस पैक को आपको बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा लूज नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है ताकि ये इजीली आपके स्किन में स्प्रेड हो सके। आप इसे फेस एंड नेक दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओनली फेस पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ऑल ओवर फेस पे आपको इसे लगाना है, कम से कम 2 से 3 लेयर आपको इस फेस पैक की अपने चेहरे पे
लगा के कम से कम 20 मिनट तक के लिए छोड़ना है। इसके बाद आपको वॉश कर लेना है। ये जो पैक है इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं बिल्कुल नेचुरल हैं, जो कि आपको घर में ही अवेलेबल मिल जाएंगी। और आप कहीं पे भी जा रहे हो, शादी पार्टी किसी भी ओकेजन में जा रहे हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे में डलनेस है, बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। आप स्किन में खुद महसूस करेंगे कि आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा ग्लो करने लगी है, कहीं ज़्यादा साफ हो गई है। और इस तरीके से हमने क्यों नहीं सोचा कि घर में ही चीज़ें हैं और उसका इस्तेमाल हमने इस तरीके से क्यों नहीं किया। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे घर में जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और क्योंकि हमें लगता है कि ये क्या फ़ायदा पहुँचाएगी, लेकिन नेचुरल चीज़ें हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाती हैं, आप सभी को पता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया और मेरी स्किन को आप देखिए कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है, कितनी साफ़ हो गई है। हमारे माउथ अराउंड या नोज़ अराउंड जितनी भी डर्टनेस थी वो निकल गई है, वहाँ से भी स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। और जो गाल हैं, चिक्स हैं, वहाँ पे जो आप ग्लो देख सकते हैं वो देखिए कितना बढ़ के खिल के आया है। तो ये है हमारा नेचुरल ग्लो जो कि कहीं छुप गया था और अब बाहर निकल आया है। तो इस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। इस पैक को आप हफ्ते में डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब आपको कहीं जाना हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से इंस्टेंट जो चेहरे पे ग्लो आता है वो आपने देखा ही, मेरे चेहरे पे एकदम से स्किन एकदम साफ़ सुथरी और बिल्कुल चमक गई थी। तो नेचुरल चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो नेचुरल ग्लो होता है वो हमारे चेहरे पर देखते ही बनता है। तो आप भी इसे बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। यूज़फुल लगी हो रेमेडी तो लाइक कीजिए, और लोगों को भी हेल्प मिल सके तो उसे शेयर भी कीजिए। चैनल में न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट आपको मिल सके। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।